खबर की ओर। कोटा में आबकारी विभाग की लापरवाही से शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। वहीं विभाग की लापरवाही के चलते यहां पूरी रात शराब की बिक्री हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि कोटा के जिला आबकारी अधिकारी अवैध शराब बिक्री की सूचना देने पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, साथ ही सूचना देने वालों का मोबाइल नंबर ब्लॉक किया जा रहा है। इस मामले की पड़ताल की A1 TV ब्यूरो चीफ प्रणय विजय ने। तो कोटा में अवैध शराब बिक्री का कारोबार पूरी रफ्तार में चल रहा है। वहीं बात करें हम लोग की, इसकी सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो मोबाइल में उन नंबरों को ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं। कोटा में रात 8 बजे से 12 बजे तक आप जिस ओर से भी गुजरोगे, शराब की दुकान पर शटर के पास किसी कोने में आपको भीड़ जरूर मिल जाएगी। गौर से देखोगे तो पता चल जाएगा कि कोई अपने शटर को आधा खोलकर अवैध शराब बेच रहा है, तो किसी ने अपने गेट में छोटी खिड़की बना रखी है, किसी ने दुकान से पाइप निकाल रखा है, तो किसी ने दीवार में सुरंग बनाकर अवैध शराब बेचने का रास्ता बनाया हुआ है। यकीनन कोटा पूरी रात अवैध शराब बिक रही है, धड़ल्ले से बिक रही है, दुकानों से ही नहीं गोदामों से भी बिक रही है, पर इस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। अवैध शराब माफिया जब सैया भय कोतवाल, फिर डर काहे का की तर्ज पर बेखौफ हैं, वहीं अचरज की बात है आबकारी विभाग हमारे लगातार लाइव अवैध शराब बेचते दिखाने पर भी मौन व्रत धारण किए बैठा है। इतना ही नहीं, हमने जिस भी जिम्मेदार अधिकारी को अवैध शराब बिकने की सूचना दी, उसने तुरंत कार्रवाई करना तो छोड़िए, हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। आबकारी विभाग तो मानो यही चाहता है कि दिन में बेचो, रात में बेचो, लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर बेचो, कैसे भी बेचो, पर शराब बेचो। और इसी वजह से कोटा में कमोबेश हर चौराहे पर, हर गली में शराबियों का नंगा नाच हो रहा है। महिलाएं अकेली सर उठाकर इन चौराहों को पार करने में शर्म महसूस कर रही है। बच्चे अपने पिता से सवाल करने लगे हैं कि जब शराब इतनी ही खराब है तो रात को 10 बजे बाद इन पर इतनी भीड़ क्यों है, इनकी दुकानों पर इतनी भीड़ क्यों है। ये सवाल महज नैतिकता भर का नहीं है, सवाल यह है कि कोटा में शराब माफिया इतना बेखौफ क्यों है। तो इस जवाब में निगाह इस दफ्तर की ओर घूम जाती है, जो रात भर शराब की दुकानों पर उमड़ती भीड़ को एक झटके में काबू कर सकता है मगर करता नहीं है। अवैध शराब की बिक्री को रोक सकता है मगर रोकता नहीं है। सरकार की आबकारी नीति इस दफ्तर के पत्थरों से सर फोड़ कर लहूलुहान है। शिक्षा की काशी को शराब की मंडी में तब्दील किया जा चुका है, पर यह दफ्तर मौन है, इसलिए कहना पड़ रहा है। आबकारी विभाग की शह पर आबकारी अधिकारियों के संरक्षण में कोटा शहर में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। A1 TV के लिए कोटा से प्रणय विजय।